Good morning, class one. Today I am just going to tell you the poem that is a squirrel. And let's start our poem reading. Whiskey frisky, hippity hop, up he goes to the tree top. इसमें एक ये पूरी पोएम जो है एक गिलहरी पर बेस्ड है और गिलहरी एक है जो कि आप कहते हैं ना कि वो गिलहरी जो होती है बहुत क्विक होती है, मतलब बहुत ही उसकी जो वो भाग दौड़ करती है वो बहुत क्विकली करती है. तो विस्की मतलब एक जैसे किसी ने मतलब ड्रिंक करता है, कोई ड्रंकड पर्सन होता है वो उस तरह से मतलब इतनी प्लेफुल है वो एक गिलहरी है जिसके बारे में यहाँ बात हो रही है. फ्रिस्की मतलब फुल ऑफ एनर्जी और प्लेफुल, मतलब वो जिस तरह से एक आदमी जो होता है किसी चीज़ के नशे में ड्रंक जब होता है और किसी चीज़ के नशे में होता है तो प्लेफुल होता है, बहुत एनर्जेटिक अपने आप को फील करता है. इसी तरह से जो गिलहरी है वो अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील कर रही है और बहुत प्लेफुल है, मतलब बहुत चंचलता उसके अंदर भरी हुई है और वो बहुत ही तेज़ी से उछलती हुई अप ही गोज़ वो ऊपर को जाती है और टू द ट्री टॉप, ट्री के बिल्कुल ऊपरी भाग पे. सेकेंड स्टैंडर्ड जो है इसका वो वर्ली ट्वर्ली बहुत तेज़ी, मतलब बहुत ही क्विक वे से जो है वर्ली ट्वर्ली थोड़ी घूमी हुई है. वर्ली जो है मतलब घुमावदार है, राउंड एंड राउंड टू उसकी डाउनी स्कैम्पर्स टू द ग्राउंड. और अब वो वर्ली ट्वर्ली मतलब बहुत तेज़ी से जो है वो राउंड एंड राउंड करती हुई घूमती हुई वो नीचे भगदड़ में आती है टू द ग्राउंड, ग्राउंड ज़मीन पर. फर्ली मतलब जो उसके बाल जो हैं, मतलब उसके पूरे जो है ये टेल पर बेस्ड है, स्क्विरल के जो टेल होती है उस पर बेस्ड ये पोएम है. तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं, टेल के बारे में. फर्ली मतलब फुल ऑफ, जो उसके जो उसकी टेल है वो फर्ली है, मतलब रोएदार है, बालदार है. और कर्ली मतलब बहुत घूमी हुई सी है. व्हाट अ टेल, कितनी अच्छी टेल है, कितना मतलब उसको मतलब एक सरप्राइज वे में बोल रहे हैं कि व्हाट अ टेल. टॉल एज अ फेदर, जैसे वो फेदर जैसी टॉल है. फेदर मतलब एक पंख जितनी वो लंबी है. और ब्रॉड एज अ सेल, ब्रॉड होती है चौड़ी एज अ सेल. सेल मीन होता है कि जैसे एक आपने बोट देखी होगी तो वो उस बोट पे एक पर्दा टाइप का लगा होता है जो कि एयर को और बोट एयर को कंट्रोल करता है और बोट को भी बैलेंस करता है कि वो अच्छे से सेल कर सके रिवर पे. उसी टाइप की जो इसकी जो टेल है वो भी बिल्कुल उसी तरह से सेल जैसे, वो कर्टेन जैसी लग रही है जैसे कि सेल बोट में होती है. और वो जो है वो उस वजह से ही वो मतलब अपने आप को बिल्कुल बैलेंस भी कर सकती है, जिस तरह से एक सेल बोट जो है वो बैलेंस करती है अपने आप को रिवर पे. इसी तरह से वो अपनी इस पूछ इट्स जो इसकी टेल है, टेल से वो अपने आप को बहुत ही स्विफ्टली वो इधर से उधर मूव करती है. और वेयर है सपर, नाउ इन द फोर्थ स्टैंडर्ड, वेयर इज़ हिज सपर. उसका वो कहते हैं सपर को कहते हैं रात के खाने को. तो अब वो फोर्थ स्टैंडर्ड में उसके खाने के बारे में पूछते हैं कि उसके सपर कहाँ है. और इन द शेल होता है आउटर कवरिंग ऑफ एनी, यू कैन से नट. जो शेल होता है वो आउटर कवरिंग होता है किसी नट का, मतलब जैसे अखरोट हो गया या बादाम हो गया, इस टाइप का उसको नट है. जो कि अखरोट को हम लोग मोस्टली नट बोलते हैं. उसकी शेल पे जो है वो कह रहा है कि इन द शेल उसके सपर कहाँ है, शेल में जो स्नैपिटी क्रैकेटी आउट इट फेल. और वो जो है वो टूट चुका है, क्रैक हो चुका है और वो उसके बाहर आ गया है. मतलब उसका जो नट से जो उसका जो फूड है जो उसके अंदर जो शेल है उसके अंदर से उसका जो मेन पार्ट होता है जो जिसको उसको गिलहरी को खाना था वो बाहर आ चुका है. तो इस तरह से यहाँ पे जो फोर स्टैंडर्ड्स थे वो एक गिलहरी के बारे में है और गिलहरी के स्विफ्टनेस के बारे में है, गिलहरी के जो क्विक वे से वो इधर उधर भागती है और उसकी जो टेल है वो टेल जो बहुत इम्प्रेसिव लगती है और लोगों को अपने व्यू से वो बहुत इम्प्रेस्ड करती है. ये पूरी जो पोएम है ये एक स्क्वायर जो गिलहरी होती है उस पर बेस्ड है. तो इट्स अ वेरी गुड पोएम. एंड जो भी इसकी जो जो इसके टेल के बारे में डिस्क्रिप्शन है वो भी बहुत अच्छे हैं. तो यहाँ पे नाउ वी गोइंग टू स्टॉप द पोएम हियर एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पोएम दैट वी विल ट्राई टू फिनिश एट अवर नेक्स्ट टर्न. सो टिल देन क्लास वन, गुड बाय.